इधर जालंधर के पास झेलम एक्सप्रेस डीरेल हुई तो इसका असर अंबाला में भी देखने को मिला। यहां यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजाब में फिलौर के नजदीक ट्रेन डेरेल होने से अंबाला में रेल यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पंजाब के फिलौर में झेलम एक्सप्रेस के डीरेल होने का सीधा असर अंबाला रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां दर्जन भर गाड़ियां रद्द होने से मुसाफिरों के चेहरे पर परेशानी साफ देखने को मिली। इसके अलावा 6 ट्रेनों के रूट डायवर्ट करने पड़े। इससे परेशान यात्रियों के पास इंतजार करने और बस से सफर पूरा करने के सिवाय कोई तीसरा चारा नहीं था। हालांकि इस वजह से बसों में भी सवारियों की भरमार होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे बहुत परेशान है, बठिंडा से आए हम, औरंगाबाद जाना है, तो हमारी बुकिंग करा रखे जा वो जे बोल रहे कैंसिल। गाड़ी घोड़ी नहीं मिल रही कोई, अब बस से जाएंगे तो कह रहे लाइन क्लियर नहीं आ रही, लाइन खराब है, जब ठीक होगी तब बताएंगे। अंबाला रेलवे स्टेशन पर तैनात अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और मुश्किल को मद्देनजर देखते हुए यात्रियों को टिकट रिफंड किए गए। फिलौर के बीच में डेरेलमेंट होने की वजह से अभी तक लगभग 12 गाड़ियां रद्द हो चुकी हैं। इससे यात्रियों को असुविधा हो रही है, लेकिन उसके लिए हमने रिफंड के लिए रिफंड काउंटर खोलने शुरू कर दिए हैं और जिन गाड़ियों के टैग लग चुके हैं उनका रिफंड भी हो रहा है। रेल मार्ग बाधित होने से परेशान यात्रियों ने बसों का रुख किया, लेकिन खासी भीड़ होने के चलते बसों की छतों पर सफर करने को मजबूर हुए। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला।